सो गाइस यहाँ देखो बीच में रास्ते में यार थोड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ है अभी रामपुर से यार, तो अभी देखते हैं यार अभी इसको क्लियर किया जा रहा है तो आपको दिखाते हैं यार कैसे ये हो रहा है। देखो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आपको पता है, एज यू ऑल नो, कल फ्लैग ऑफ हो गया भाई इवेंट का। तो क्या इवेंट चल रहा है, तो भाई आपको मिलाएंगे सूरज भाई से। तो सूरज भाई वेरी गुड मॉर्निंग। सो सूरज भाई को मैंने कैच कर लिया भाई सुबह, एंड लेट यू नो कि क्या चल रहा है भाई, कैसा इवेंट होने वाला है, तो सूरज भाई बताएंगे अब आपको। तो कल वाले ब्लॉग में आपने भाई के तो देखे, आपने फ्लैग ऑफ किया। आज हमारा डे वन है एक्सपेडिशन का, पहली लेग है बस। और ये वाला लेग हमारा थोड़ा इजी रहता है क्योंकि टर्मैक है, इसमें सारा मेटल रोड रहता है। तो आज का प्लान हमारा यही है कि हम यहाँ से निकलेंगे और कल्पा पहुँचेंगे। तो कोशिश यही रहेगी, बहुत बड़ा कॉन्वॉय है, कितनी जल्दी कॉन्वॉय को पहुँचा सके जी। ऑफिशियल टीम सुबह ही आके अपने काम पे लग चुकी है। सो होपिंग फॉर अ गुड डे, इट विल बी अ ग्रेट डे। तो ब्रदर एक नंबर हमारे साथ है। तो आप बताएंगे कितनी गाड़ियाँ आ रही है? टोटल 42 गाड़ी है। ओह नाइस। तो गाइस 42 कार्स आ रही है, पर मेरी गाड़ी नहीं आ पाएगी क्योंकि भाई वो फिट नहीं है फॉर द एक्सपेडिशन, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। और बाकी बहुत गाड़ियाँ जो अनफिट थी वो वापस भेज दी गई है। तो अभी बच बचा के 42 हुई है, नहीं तो 50 प्लस कार्स थी जो आई थी, एंट्री हुई थी। तो हम नहीं चाहते किसी की लाइफ के साथ कोई रिस्क हो यार, और मैं भी अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहूँगा। सो मैं यही ऑप्शन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई दिनेश भाई के साथ। अब आपको दिखाएंगे, वी आर द पार्ट ऑफ द टीम क्यों, और हम चलेंगे सबसे आगे। तो आपको दिखाते रहेंगे गाइस, टिल देन आप देखते रहिए हाउ विल बी द जर्नी, एंड मीट यू इन किन्नौर, सी यू गाइस इन कल्पा बाय द इवनिंग। ओके बाय बाय, टिल देन गाइस। इधर देखो मेरे साथ है आज दिनेश भाई, और भाई सबसे आगे गाड़ी निकल गई हमारी भाई, गोड एडवांस टीम और जर्नी स्टार्ट भाई, एडवांस नेक्स्ट लेवल। आप देखो सबसे आगे हमारी गाड़ी रहने वाली है जो सबके लिए रास्ता बनाएगी भाई, और ये एक्सट्रीम लेवल के माउंटेन्स में चल जाएगा। हमारे को बस्तियां दिख रही है, संजौली दिख रही है गाइस, पर आगे we won't see any more towns, big towns. और के आगे सब शांत हो जाएगा। तो क्या वेदर है गाइस आज का, और यार देखो आप यार गाड़ियां बस लग चुकी है, क्या बात है। और एडवांस टीम के एक और मेंबर का भी ऐड किया जा रहा था। तो गाइस यहीं से कुकरी में स्नो दिखनी शुरू हो गई, तो भाई मजा यहीं से हो गया भाई, स्टार्ट क्या बोलते दिनेश भाई। अब हमने 5 दिन अभी तो स्नो, आपने अभी पीछे जैसे कि भाई के पिछले ब्लॉग्स देखे भी होंगे, स्नो में हमने पहले भी बहुत फन किया है जी। लेकिन यहाँ पे ये हमारे लिए कोई स्नो नहीं है, ये चैलेंजेस है। ये मेन स्नो हमें मिलेगी काजा से, जब हम लांगजा की तरफ जब हम चढ़ेंगे, फिर मेन जो होगा टास्क वो हमारे लिए मेन टास्क वो काजा से लांगजा। गाइस आप देख लो वहाँ से मेन टास्क होने वाला है। अभी थोड़ी बहुत जो हमें स्नो दिख रही है गाइस, ये अभी नॉर्मल है, मतलब इसमें हम गाइस देखो हम अभी नारकंडा पहुंचने वाले हैं, और आपको दिखा देंगे गाइस हमने देखो सामान पैकिंग सब कर लिया गाइस। यहाँ देखो चॉकलेट के डब्बे से लेकर ये पानी की बॉटल्स भाई सब आपको साथ ले जाना है, और हम कूड़ा भी गाड़ी के अंदर ही डाल रहे हैं गाइस, कूड़ा भी नहीं फैलाना है आपको क्यों, और आपको सेफली जाना है और एंजॉय करना है क्यों एक्सपेडिशन में। तो आप हमारे साथ देखो ये गाइस देखो नारकंडा बाजार हम पहुंच गए, यहाँ से आगे चलिए अब एक्सपेडिशन।
सूरज भैया को आप बता दो जी, मैंने उनको नहीं किया कॉल। ओके जी, थैंक यू। ब्लैक आइस, ब्लैक आइस, ऋतिक ब्लैक आइस, पीछे लवनीश भैया। ये है कोटगढ़ वैली, क्या बात है, दिखा दो गाइस। ये आगे जो हमें पार दिख रहा है ये सारा कोटगढ़ है, और कैसा लग रहा है गाइस। जहाँ हिमाचल का मतलब सबसे पहले सेव आया था, जो कि मैडम स्टोक्स की गेम थी, जो जी जी उनके पिताजी ने लाया था, जो बिल्कुल बिल्कुल जी। तो गाइस देखो भाई, ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पता नहीं होगा तो ये देखो, स्टोक्स फैमिली ने सबसे पहले सेव लाया है एप्पल, जो कि हमारे यहाँ हिमाचल का भाई जो मेन है। यस, क्या बात है भाई जी, तो ये नॉलेज की बात है गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, आप एंजॉय करो तब तक के लिए एक्सपेडिशन, और मैं और दिनेश भाई तो चल रहे भाई फुल पावर एडवांस टीम। तो पुनीत भाई, अब कुछ भूख भी लग रही है भाई। या ब्रो, आज ब्रेकफास्ट स्निकर्स का ही हुआ है। स्निकर्स से ब्रेकफास्ट हुआ, और अब भाई भूख लगी है, सबका अरेंजमेंट है, तो हमारे को जाके चेक करना है, और पहले एक आगे आगे निकल जाएगी एडवांस टीम। तो गाइस देख सकते हैं जिप्सीज सच में द रियल मैन मशीन, आप देख ही सकते हो कि मैं किस तरह से चला रहा हूँ, किस तरह से, और आपको कैसा फील हो रहा है। बस लग रहा है भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे को तो भाई एक नंबर लग रहा है, मजा आ रहा है, पता क्यों, क्योंकि मैं भी खुद यार जिप्सी वाला ही बंदा हूँ, और जिप्सी लवर भी हूँ भाई, मेरे को मजा आता है जिप्सी में, आज से नहीं पहले से, जब जिप्सी नहीं भी थी तब से भी, क्यों दिनेश भाई। तो यही भाई लाइफ का थ्रिल है, आप इन चीजों को एंजॉय करना, आपको आना चाहिए बढ़िया यार, अपने आपको शौकीन बनाना चाहिए भाई कुछ ऐसी चीजों में, जिससे आप भाई कुछ नया कर सके, जैसे एक्सप्लोर कर सके। क्या कहते हैं भाई, हम एक्शन में चले हुए फुल पावर गाइस, आज वैसे बहुत लेट है, बिकॉज़ वहां से भी लेट चले थे। यस यस, माउंटेन गोट एक्सपेडिशन शुरू। तो भाई एक नंबर बात हो गई है, क्यों आप देख सकते हैं, लो भाई इसको पकड़ो जरा, मैं खड़ जाता हूँ बाहर, पकड़ो जरा इसको। ओ क्या बात है गाइस, तो गाइस गाड़ियाँ तकरीबन सारी पहुंच चुकी है, और कैसा लगा अभी आपको दिखाते हो, देखो कैसा रफ होगी, और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लग चुकी है भाई रोड पे, कैसा लग रहा है इस टाइम के लिए। ये सर क्या बात है, या सर एक नंबर। वो भाई क्या बात, साइज देखो कितना, यहाँ देखो आप पार्किंग हो रही है।
यहाँ देखो हम लंच के लिए पहुँच गए। क्या बात, आप देखोगे जय श्री राम भाई। तो हम पहुँच गए हैं, क्या बोलते हैं, रामपुर पहुँच गए भाई। और लंच के बाद देखोगे आप बढ़िया लग रहा है भाई इस टाइम। क्यों, क्या बात है, तो बहुत बढ़िया भाई। रामपुर में वेदर जो है काफी इस टाइम हॉट है। रामपुर इज हॉट भाई, तो आप ज्यादा कपड़े पहने हुए तो आपको थोड़ी गर्मी ज्यादा लगेगी, पर अच्छा ही है, हवा आ रही है बढ़िया, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। मैंने कपड़े थोड़े उतार दिए, जैकेट उतार के। सो गाइस, क्या नज़ारा है आपको हम दिखाएंगे। आगे क्या है ऋतिक कुमार सर? और भाई जी कहाँ लाल थार वाले? लाल थार वाले तो भाई मना ही है। वो क्यों सुरेश भाई के तुम के पता आएगा, वो तो टाइम लगेगा ना। हमारे साथ सुरेश भाई आ रहा काम करने वाला बंदा चाहिए हमारे को। हाँ ये बात सही है भाई, जा रहा अभी थार ठीक करा रहा है। कब वो भाई का अपना प्रोजेक्ट तैयार होगा, मेरे भाई भी आराम से आएंगे ना मेरे पीछे। हाँ जी सूरी भाई, आंदो 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 सूरी भाई की चुप। इस कॉलेज की टीम का आ रहा है। ओ तो भाई वहां देखो क्यों लैंडस्लाइड हो गया हुआ है, तो अभी उसको क्लियर किया जा रहा है। और यहां गाड़ियां लग चुकी है हमारी एडवांस टीम ये। गाइस यहाँ देखो बीच में रास्ते में यार थोड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ है अभी रामपुर से आगे, तो अभी देखते हैं यार अभी इसको क्लियर किया जा रहा है, तो आपको दिखाते हैं यार कैसे ये हो रहा है। देखो एक्सपेडिशन है जी, माउंटेन गोट एक्सपेडिशन, 41 गाड़ियां आ रही है जी पीछे। ओके ये अभी तीन है एडवांस टीम, इसमें ये पूरा नंबर है गोट 7 और गोट 7 गोट 15। तेरा नंबर क्या है ऋतिक गाड़ी का? गोट थार, ये इसका नंबर नहीं लिखा है गाड़ी का, गोट 13 का नंबर नहीं। सो गाइस देखो अब हम कहां से जा रहे हैं गाइस, ये पहुंच गए हैं हम पहाड़ों के बीच में। ये हम किन्नौर बस पहुंचने वाले अभी कल्पा थोड़ी देर में, तो तब तक आपको दिखा देंगे। लाइट्स ऑन भाई, लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन एवरीवन, सुरेश भाई लाइट्स ऑन। यार भाई यही तो हमारी किस्मत में नहीं एडवांस टीम के की फोटो वोटो। आपने घर जाके भाभी को दिखाना है? जा रहे हैं गाइस, ये पहुंच गए हैं हम पहाड़ों के बीच में। ये गाइस हम किन्नौर बस पहुंचने वाले अभी कल्पा थोड़ी देर में, तो तब तक आपको दिखा देंगे। लाइट्स ऑन भाई, लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन एवरीवन, सुरेश भाई लाइट्स ऑन। यार भाई यही तो हमारी किस्मत में नहीं एडवांस टीम के की फोटो वोटो। आपने घर जाके भाभी को दिखाना है? हाँ वेख भोल ये तेरा झंडू कितो झंडे गाड़ के आया। ऐदा कहूगा मेरा वीर, आ वेख भोल ये तेरा झंडू कितो झंडे गाड़ के आया।
ही नहीं आया आपको, है ना? You're it, come on! Louder than last night. Whoa, हम पहुंच गए गाइस तरंडा माता मंदिर के बाहर। गाइस देखो हम कहां पहुंच गए भाई तरंडा डाक से आके, और कैसा नजारा है भाई यहां से देख लो एक बार। वो यहां से नीचे भाई पैराशूट से छलांग मार दी थी बड़ों ने, और नीचे को भाई क्या बात है। तो भाई कैसा लगता है पूरा चट्टान है? क्यों बढ़िया है जी? ये लगी है गाड़ियां। इसी ब्रिज में यार गाइड कितनी है गाइस, आप देख लो यहाँ से नीचे। ओ मैन ऐसा लग रहा है गाइस, सो आई फील सो गुड। यार सो ये फील ले रही है गाइस एडवांस टीम आगे। ओ क्या मजे मोन मैन, फुल पावर पर लगी है गाइस। ऋतिक तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा होगा, घूमोगे ऋतिक? तो भाई गुम हो गया लगता है वो, 2-3 किलोमीटर पीछे। टीम पहुंच गई है देख लो यहाँ, और गेट हम खोल रहे हैं। क्या बात है, इस टाइम रात को कल्पा पहुंच चुके हैं ये भाई, और गाड़ियां भी आ गई है पीछे से। यहाँ देखो डॉगी, ओ भाई कार्स आर हियर। ओह गाइस आप देख सकते हैं गाड़ियां भी यहां पहुंच गई है। ओह डॉगी, ओह भाई सो भाई ये देख लो एडवांस, क्या बात है एडवांस टीम। थ्रॉटल सुना दो या फिर थ्रॉटल सुना दो बिल्कुल। ये क्या बात है भाई जी, देर है गाइस। थैंक यू सो मच जी। यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी?